इस लम्हे को रोक दूं या मैं खुद को इसमें झोंक दूं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। हम इस टाइम खड़े हैं तातापानी में और अब हम जा रहे हैं नालडेरा और मशोबरा होते हुए कुफरी, और रास्ते के सीन्स बहुत सुंदर है लेकिन हमारे साथ एडवेंचर भी होने वाला है। क्यों? क्योंकि कल ही रात को स्नोफॉल हुई है तो स्लिप होने के चांसेस गाड़ी के काफी हैं, बट स्टिल एडवेंचर करना है तो कुछ तो हमें करना पड़ेगा। और यहाँ मैं इस टाइम जस्ट बॉर्डर पे खड़ी हूँ, इधर मंडी डिस्ट्रिक्ट है और इधर आगे शिमला डिस्ट्रिक्ट है, तो चलिए एडवेंचर से भरपूर और सुंदर व्यूज को एंजॉय करते हुए कुफरी की। जब से मिले सुध बुध खोई है खोई मैंने, हजान गवाई मैंने, हाँ तुझको बसाया है धड़कन में सांवरे, ओ सुध बुध खोई है खोई मैंने, हजान गवाई मैंने, हाँ तुझको बसाया है धड़कन। ये देखिए ऊपर से ताता पानी का व्यू, वो देखिए हम वहाँ थे, वहाँ से हम ऊपर आए हैं और ऊपर से व्यू बहुत ही शानदार लग रहा है, मतलब देख के यकीन नहीं हो रहा कि वहाँ से हम यहाँ फटाफट पहुँच गए। आई थिंक कितनी देर में, 15-20 मिनट 20-25 मिनट लगी होंगी। इस लम्हे को रोक दूं या मैं खुद को इसमें झोंक दूं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इस लम्हे में मैं कुछ भी जानूना, मतलब बिल्कुल ही अलग से व्यू है, ये बिल्कुल ब्राउन नजर आ रहे हैं, मतलब पीछे ग्रीनरी थी और यहाँ बिल्कुल ब्राउन, अलग ही एक अट्रैक्टिव सा कलर है, ग्रास है, ये सारी ग्रास से कवर है, ड्राई ग्रास है, ये ग्रीनरी नहीं है, उसके बाद इतने सुंदर लग रहे हैं। सात्विक कतई जहर वाले व्यू भाई, और ये देखो ना रोड, मतलब बिल्कुल स्मूथ सा रोड है, कैक्टस इतने सारे, हाँ ये कैक्टस है, यहाँ पे कैक्टस भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, सामने उधर बिल्कुल ग्रीन, हाँ वो ग्रीन है एकदम, ये डिफरेंट पार्ट और वो डिफरेंट पार्ट, एकदम अलग लग रहे हैं बिल्कुल। इस टाइम हम खड़े हैं तातापानी और नालडेरा के बीच में, और नालडेरा यहाँ से आई थिंक 7-8 किलोमीटर ही दूर है, लेकिन मैं यहाँ आपको जो व्यूज दिखाना चाहती हूँ वो व्यूज अभी तक मैंने नहीं देखे। आप ये देखिए, ये सामने जो व्यूज आपको दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल कोई फ्लोरा फौना नहीं है, बिल्कुल ड्राई ग्रास है इनके ऊपर, जैसे लद्दाख के हमारे होते हैं उधर के माउंटेन्स, लेकिन सुंदर इतने लग रहे हैं और बहुत ही मतलब दिल को छूने वाला मतलब व्यू है ये। और जैसे ही हम इससे आगे चलते हैं, मेरे अभी राइट साइड में जैसे ही अभी आप देखोगे एकदम 100% चेंज हो गया,
देखिए ये देखिए, यहाँ से एकदम 100% चेंज, ग्रीन फॉरेस्ट, बिल्कुल ग्रीन माउंटेन्स, और उससे थोड़ा सा और आगे जाएंगे ये यहाँ पे, ये देखिए स्नो कवर्ड माउंटेन्स, मतलब यहाँ से 360 व्यू है, मतलब आप, लेकिन हर थोड़ी डिग्री में एकदम चेंज व्यू है, बिल्कुल ड्राई माउंटेन्स, फिर बिल्कुल ग्रीन डेंस फॉरेस्ट, फिर स्नो कवर्ड, और फिर लैंडस्केप्स बहुत सुंदर, और ये सामने से आप देखोगे तो मतलब यहाँ आप घंटों खड़े होगे इस व्यू को देखते रहोगे, जब भी आपका दिल नहीं भरेगा इस टाइम हम ऐसी जगह दिखाएंगे। और सबसे अट्रैक्टिव फिलहाल मुझे ये ड्राई माउंटेन्स लग रहे हैं, एकदम ऊपर नीला आसमान और नीचे ब्राउन कलर के, आप बिल्कुल जैसे यूनिफॉर्म से, मतलब इस लम्हे को रोक दूं या मैं खुद को इसमें झोंक दूं। ये देखिए सामने मेरी लेफ्ट साइड बिल्कुल ब्राउन है और राइट साइड ग्रीन एरिया स्टार्ट हो गया है, तो एक ही रोड के दोनों साइड अलग अलग व्यूज, अलग अलग कलर, ये तो यही मिलेगा। इसके लिए आप इस वाले एरिया की तरफ आइए और एक्सप्लोर कीजिए शिमला से ताता पानी की तरफ वाला वे। ये दिख रहा होगा सामने दोनों कलर, ब्राउन ग्रीन। अब हम नालडेरा में एंट्री कर रहे हैं और साइड में ये जो आपको लंबे लंबे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये हैं देवदार के पेड़, सिदार ट्रीज। ओके, तो नालडेरा यहाँ से जस्ट 3 किलोमीटर दूर है, ग्रीनरी यहाँ एकदम चेंज हो गई। हाँ, ये देखिए हमें रास्ता आगे कैसा मिलेगा उसका अभी से फील होना स्टार्ट हो गया है, साइड में अभी थोड़ी थोड़ी आपको स्नो गिरी हुई दिख रही होगी। अब एडवेंचर हमारा जस्ट स्टार्ट होने वाला है, हम इस टाइम नालडेरा को क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से ये आ गया आपका सोलन 68 है, ढाली 19 चंडीगढ़, यहाँ से 136 किलोमीटर। ये गोल्फ कोर्स के लिए घोड़े यहीं से जाते हैं इस वाले एरिया से, यहाँ से इस लम्हे को रोक दूं या मैं खुद को इसमें झोंक दूं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, इस लम्हे में मैं कुछ भी जानू ना। है ना वाकई में बहुत सुंदर। जी हाँ, हम इस टाइम खड़े हैं नालडेरा। नालडेरा दो शब्दों से बना है, नाग प्लस डेरा, इसका मतलब है सांपों के राजा का निवास। ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिश वॉयसराय लॉर्ड कर्जन यहाँ की खूबसूरती से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यहाँ पे गोल्ड कोर्स बनाने का निश्चय किया और अपनी बेटी के नाम के आगे भी नालडेरा लगा दिया। और यहाँ का वातावरण और यहाँ की मतलब जो आप वाइब्स कह सकते हो, इतनी प्योर है और वातावरण इतना मतलब शांत है कि मतलब हवा की आवाज भी आप सुन सकते हो, मतलब मैं फील कर रही हूँ मेरे कानों में, मैं आपको तो वीडियो में नहीं सुना सकती इस टाइम, लेकिन हवा की भी आवाज मेरे को सुनाई दे रही है, मतलब इतना शांत वातावरण है यहाँ। वाकई में यहाँ की हरियाली और यहाँ की शांति ही इतना सुंदर बना रही है। तो एक बार फिर से देख लीजिए नालडेरा को मेरी आंखों से।
क्या व्यू है, ओह माय गॉड, वाकिंग सुंदर लग रहे हैं यहाँ से। ये देखिए जिसका था मुझे इंतजार वो चीज आ गई, ये लीजिए शुरुआत हो गई। साथी को स्नो दिख गई है, वो अपने मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से जागा और जागते ही उसे ये व्यू दिखाई दिया तो उसके मुंह से भी निकला सफेद वाली बिल्कुल। ये बर्फ दूसरे कलर वाली कौन सी होती है, सफेद वाली तो मैंने ही देखी है। अच्छा गंदी नहीं है, अच्छा साथी सही कह रहा है, मतलब गंदी नहीं है, वाइट है। ये देखो नीचे ब्लैक आइस हुई भी है, अब थोड़ा बिल्कुल धीरे धीरे चलाना पड़ेगा आपको। एक्चुअली अगर आज बादल रहते ना तो ये ब्लैक आइस नहीं होती, आज धूप निकल गई ना तो ये जो स्नो कल गिरी थी वो ब्लैक आइस में चेंज हो गई, तो यही डेंजरस होती है क्योंकि ब्लैक आइस पे आपका गाड़ी स्केट करती है। तो उसके लिए एक तो अपने टायरों की हवा कम रखिए, हमने ऑलरेडी कर ली है अपने सभी टायरों की हवा, हमने 25 कर ली है और यहाँ तो ब्रेक का यूज भी है, कम ही होएगा तो अपनी गाड़ी स्लो स्लो ही चलाएं, बाइक वाले की भी प्रॉब्लम होती है। क्या ब्यूटी है, हो गया स्टार्ट एडवेंचर हमारा क्योंकि जैम लगा हुआ है। After all, अब हम काफी देर के बाद निकल पाएंगे, हमने अपनी गाड़ी भी बहुत साइड में कर ली थोड़ी सी बर्फ पे चढ़ाकर क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बसेस जा रही हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बचाना। अब लग रहा है शायद हम निकल जाएंगे। किसके ट्रक आ रहा है, ट्रक आ रहा है, फिर पता चला रास्ता नहीं, रुक जाओ एक मिनट ट्रक पर निकलने दो ना, ऐसे तो पता नहीं। वाह ये देखिए ऊपर से गिरी हमारे बर्फ बहुत सारी ये देखिए ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी मुझे। अच्छा वहाँ हमारा कैमरा इस टाइम ऑन है, अच्छा क्यों विंडो खुली हुई थी क्या साधु की, बताइए पीछे साधु की विंडो खुली हुई थी, उसके सारे फोन पे पीछे स्नो गिर गए। चलिए ये बेस्ट था, पहले उनको थी अब हमारी साइड की पहले निकलेगी तब बस निकल पाएगी, वरना बस नहीं निकल सकती इस टाइम क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं है जरा से भी। ये हम जाते हुए धीरे धीरे ही सही कछुए की चाल से मशोबरा को क्रॉस करते हुए, वैसे आज हम मेंटली प्रिपेयर तो थे कि अगर बाय चांस एक परसेंट इधर से बच रही है ठीक है चलो 1% अगर हम फंस जाते हैं तो फिर मशोबरा में स्टे करते, वैसे हमने अपनी कुफी की बुकिंग करवा रखी है। यहाँ बर्फबारी और ज्यादा हो गई है, इसका मतलब कुफरी की साइड तो और ज्यादा मिलेगी हमें। अब हम क्रॉस कर रहे हैं मशोबरा को और सामने आप देखिए यहाँ स्नोफॉल ज्यादा हुई है, सामने के पेड़ों पे आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है, क्या व्यू लग रहा है, वाह यहाँ काफी है, मतलब नालडेरा में कम थी तो नालडेरा में थी कहाँ, वो तो नालडेरा से जब हम आगे निकले हैं जब मिली है। ये है मशोबरा, खूबसूरत शहर हिमाचल प्रदेश का, और आप
साइड में भी देखिए कितनी स्नोफॉल हुई हुई है। अगर आप शिमला से थक चुके हैं बार बार वहां जाके वहां के भीड़ भाड़ से, तो यहाँ आइए मशोबरा में आपको ब्यूटी मिलेगी, आपको नेचर मिलेगा, पीस मिलेगी। तो इसलिए लोगों काफी लोगों में ये फेमस है जो शिमला के क्राउडिंग एरिया और शोर शराबा से थक चुके हैं। ये देखिए इस टाइम हम चल रहे हैं मशोबरा की सड़कों पर। Oh, my God.